उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का रोड शो। चंपावत के बनबसा से टनकपुर तक है रोड शो। चंपावत से उपचुनाव लड़ने वाले हैं सीएम धामी। तो चंपावत के बनबसा से टनकपुर तक रोड शो, क्योंकि आप जानते हैं कि सीएम धामी अपनी सीट हारे थे, कटिमा से चुनाव नहीं जीत पाए थे, और आप ये भी जानते हैं कि 6 महीने के अंदर इन्हें विधानसभा पहुंचना के ऐसे में चंपावत विधायक की ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। इस्तीफा जाहिर है मंजूर भी हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि खटीमा से लगती सीट है चंपावत। तो चंपावत की बनबसा की टनकपुर तक की रोड शो, तो गाड़ी की सनरूफ खोलकर लोगों को अभिनंदन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं सीएम धामी। रोड शो उनकी ओर से ये चंपावत में निकाला जा रहा कि ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की चंपावत से। चंपावत से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है सीएम धामी। तो चंपावत में चूंकि बीजेपी विधायक की ओर से गहतोड़ी की ओर से इस्तीफा दिया गया था, अब सीट खाली है, उपचुनाव होने हैं, और जाहिर है कि सीएम के लिए ही सीट खाली की गई है। तो अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है, तैयारियां तेज हो गई हैं, रोड शो निकाल रही है सीएम धामी। रोड शो की तस्वीरें